हाँ जी नमस्ते। नहीं नहीं यार ऐसे नहीं। हाँ जी नमस्ते। और जैसा कि आपने टाइटल से जान लिया होगा, आज हम करने वाले हैं हमारे कॉलेज का कैंपस टूर। अब मैं हूँ फाइनल ईयर में और इंजीनियरिंग का एक रूल है, जैसे जैसे आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाते हो वैसे वैसे आपकी अटेंडेंस कम होती जाती है। तो मैंने सोचा अब जिस कॉलेज ने इतनी मेमोरीज दी उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया तो क्या किया। तो चलिए रूबरू कराता हूँ आपको सीयूईपी से, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। Wait. Before going further, I want to tell you some things about my college. So first one, COAP is established in 1854 and it is Asia's third oldest engineering college and of course one of the best in Maharashtra. Kya matlab IIT Bombay aur abhi NIT kuch hai nahi. And second thing, as it is the third oldest engineering college, it has a very large network of alumni. And I want to name few of them. Sir M. Vishwaswaraiya, who was the Bharat Ratna awardee and also the alumnus of our college and of course the first civil engineer of India. Second, Gaur Gopal Das, he is a motivational and a spiritual speaker. And third one, Vaibhav Tatwari, who is an actor. Along with that, there are many other people also who are the CEO and CTOs of our companies and many of them are IAS also. So yeah, this college contains very large and diverse network of alumni. बहुत हो गई ज्ञान की बातें, चलो जल्दी रेडी होते और जाते कॉलेज। कॉलेज से 10 मिनट वॉक करने के बाद हम फाइनली आ चुके हैं हमारे कॉलेज के मेन एंट्रेंस पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इतने ब्रिजेस हैं और इतने ब्रिजेस के नीचे हमारे कॉलेज का एंट्रेंस है और इसलिए भी इसको नाम दिया जाता है कि पुला खालचा कॉलेज। अब हमने कर लिया गेट से एंटर और हम पहुंच गए हमारे कॉलेज कैंपस में। यहाँ से जो पहला डिपार्टमेंट आता है वो है मेरा डिपार्टमेंट, दैट इज इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। और ये है के आर नाथ स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दिस इज़ अ रिसेंटली बिल्ट बिल्डिंग और इसका नाम के आर नाथ इसीलिए है बिकॉज के आर नाथ हमारे एलुमनाई थे जिन्होंने फंड किया इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। यहाँ से जस्ट राइट साइड में जाए तो हमें मिलता है जेरोक्स सेंटर्स एंड स्टेशनरी स्टोर, जो असाइनमेंट सबमिशन के वक्त काफ़ी भीड़ से भरा होता है। इसके जस्ट आगे जाए तो हमें मिलता है जियोलॉजी म्यूजियम, जिसमें करते क्या है पता नहीं, बस पत्थर भर के रखे हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं कुछ कदम आगे और हम पहुँच जाते हैं मेटा कैंटीन। नाउ लेट्स टेक अ यू टर्न एंड लेट्स हेड टुवर्ड्स द मेन बिल्डिंग। हमारे कॉलेज का वन ऑफ द डेंजरस डिपार्टमेंट। अगर आप सीओईपी में हो या सीओईपी में आने वाले हो तो इस डिपार्टमेंट से बिल्कुल बंगा मत लेना, क्योंकि अगर यहाँ अगर लटक गए तो बहुत लंबे लटकोगे। और यह है हमारे कॉलेज का मैप, जो इस ब्रिज की वजह से दो हिस्सों में बट गया है और हर सीओईपी को इस बात का दुख तो बहुत होता है। और इस दो हिस्से में चार गेट है जो एडमिशन के वक्त एक भी नहीं मिलता, इनसे मिलिए। यह है हमारे कॉलेज का स्टूडेंट सेक्शन। इनकी तारीफ में बस इतना कहना चाहूँगा
कि अगर आप बोनाफाइड के लिए अप्लाई करते हो तो ये आपके कॉलेज पास आउट होते तक के बाद ही मिलेगा। इसके ठीक अपोजिट साइड में अकाउंट सेक्शन, और आप जब फाइनल ईयर में होंगे तो नो ड्यूज़ के वक्त आपका यहाँ दिन कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये मेरे आगे कंस्ट्रक्शन साइट देख के तो आप जान ही गए होंगे कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है। हाँ हाँ भाई, डिपार्टमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, सॉरी सिविल डिपार्टमेंट। वैसे तो ये हमारे कॉलेज का सबसे पुराना डिपार्टमेंट है, पर इनका जज्बा अलग ही है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने के लिए डिपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन ही चालू कर दिया, सो दैट स्टूडेंट को बेटर एक्सपोजर मिले और अच्छा प्लेसमेंट भी। पर भैया सिविल का तो प्लेसमेंट ही नहीं है। आओ अब लेके चलता हूँ मेन बिल्डिंग की ओर, जो हमारे कॉलेज की वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। और इसे देखकर हॉगवर्ट्स का फील आना लाजमी है। सेंट्रल लाइब्रेरी, हाँ ये वही जगह है जहाँ मैं शायद ही कभी पढ़ने गया होगा। और इसके ठीक ऊपर है हमारा ऑडिटोरियम। वैसे ऑडिटोरियम होना एक बहुत अलग बात होती है कॉलेज में, लाइक आपका मज़ा दुगना हो जाता है। हम में से बहुत से लोग तो इंजीनियरिंग में इसलिए आते हैं कि यार अच्छा सा प्लेसमेंट मिल जाए, तो ये वही जगह है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से जो हमें सपने दिखाती है बड़े बड़े पैकेजेस की। और फाइनल ईयर आते तक ये समझ में आ जाता है कि भैया जो मिल रहा है वो ले लो वरना बेरोजगार ही रहोगे। और यहाँ तक चलने के बाद हम आ गए हमारे साउथ कैंपस के एंड में, और ये मेटलर्जी डिपार्टमेंट की एक नई एक्सटेंशन बिल्डिंग है और इसके जस्ट आगे है गेट नंबर 2 टू एंटर इन द साउथ कैंपस। तो अब हम जाएंगे वापस हमारे सबवे के थ्रू टू एंटर इन द नॉर्थ कैंपस। तो इस अंडरग्राउंड सबवे से बाहर निकलने के बाद हम पहुंच जाते हैं हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो कॉरिडोर और ये राउंडेड कॉलम्स है ना भैया, इतना विंटेज फील देते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। और ये है मैकेनिकल डिपार्टमेंट की एक्सटेंशन बिल्डिंग। और ये जो दो फ्लोर की छोटी सी बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये हमारे कॉलेज का कंप्यूटर डिपार्टमेंट। वैसे दुख तो बहुत होता है यार, क्योंकि इनके पास बाकी डिपार्टमेंट जैसी बड़ी बिल्डिंग्स ही नहीं है। अरे भाई सुन, वो प्लेसमेंट का बताना। ENTC डिपार्टमेंट, ये हमारे कॉलेज का सबसे चिल डिपार्टमेंट है। और ENTC वालों को देख के ऐसा लगता है कि काश हमें भी ENTC मिलता। और ये है ENTC डिपार्टमेंट की एक्सटेंशन बिल्डिंग। और इसके ठीक अपोजिट साइड में इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट। वैसे तो पहले सुना था कि ये डिपार्टमेंट बहुत चिल होता है, बट अभी जितना मेरे दोस्तों से पता चला है इनके तो लंबे वाले एल लगते हैं भाई। तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम पहुँच जाते हैं एकेडमिक कॉम्प्लेक्स। वैसे तो इस बिल्डिंग में हमने बस एग्ज़ाम्स ही दिए है, मतलब अगर फर्स्ट ईयर में आते तो हमारी क्लासेस यहीं होती, लेकिन हमारा फर्स्ट ईयर तो निकल गया ऑनलाइन।
और यह है हमारा बोट क्लब का कैंटीन, और इसके ठीक ऊपर है बैडमिंटन कोर्ट। और हाँ, हो सके तो बोट क्लब का खाना अवॉइड करना, क्योंकि मैंने एक बार खाया था और उसके अगले दिन मेरा पेट ही खराब हो गया और तब से मैंने खाना ही छोड़ दिया बॉस। और अब हम आ गए हमारे बोट क्लब में, और ये मेन बिल्डिंग के बाद दूसरी चीज़ है जो हमारे कॉलेज को स्पेशल बनाती है। और जब रेगाट आता है, जो कि हमारे कॉलेज का एनुअल बोट क्लब का इवेंट है, तब यहाँ की चहल पहल बहुत ज़्यादा होती है। लाइक जब मैं सेकेंड ईयर में था तब मैंने टेली मैचेस किया था, जो रेगाटा में क्या ही एक इवेंट है। चलो छोड़ो, उस बारे में तो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, बट हाँ, वो खुद में ही एक अलग एक्सपीरियंस है यार। तो यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं भावी सेल की ओर। भावी सेल हमारे कॉलेज का एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंक्यूबेशन सेल है। यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स को अगर कोई स्टार्टअप आइडिया है तो उसके बारे में गाइडेंस दी जाती है, स्ट्रेटेजी एंड ऑल्सो फंडिंग भी रेज की जाती है। और यार, इस कॉलेज में कंस्ट्रक्शन कभी ख़त्म ही नहीं होता, इसलिए भी इसको कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन बोलते रहते हैं। लाइक कुछ ना कुछ तो बनते ही रहेगा। और ये बन रही है हमारी नई सी बिल्डिंग, जिसमें आई गेस कंप्यूटर का डिपार्टमेंट भी हो सकता है, लाइब्रेरी एंड MBA का भी सेक्शन हो। और यहाँ से आगे जाने पे एक NCC का ऑफिस भी है। तो हाँ, इस तरह हमारा कॉलेज का भ्रमण होता है पूरा। ये रहा हमारे कॉलेज का कैंपस टूर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है और कुछ बची भी होगी तो आगे कर देंगे। तो अब मैं कहता हूँ हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के गार्डन में चिल। आप जाके कमेंट्स करो कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।